हेलो आई होप यू आर डूइंग वेल सो यहाँ सरी ब्रिटिश कोलंबिया में गर्मी बढ़ती जा रही है और सलमान खान भी गर्मी बढ़ा रहे हैं हम बात कर रहे हैं टाइगर थ्री की शाहरुख खान का कैमियो है जैसे कि आई थिंक मेरे ख्याल से हर किसी को पता चल चुका है पठान विल बी एंटरिंग द द स्पाई यूनिवर्स और ख़बरें इस तरीके से सामने आ रही है कि, आ, आ, हैं कि आठ दिन एलोकेट किए हैं शाहरुख खान ने अपनी शूटिंग के लिए और एक जो एक्शन सीक्वेंस है दोनों का दोनों को मिला के सलमान और शाहरुख को दिस इज दीजा जस्ट दीजा जस्ट आई थिंक सोर्स बेस्ड रिपोर्ट्स आर देयर नो नो कॉन्फर्मेशन पैंतीस करोड़ का आई थिंक खर्चा हो रहा है इस इस पूरे आई थिंक एक्शन सीक्वेंस पे विच इज़ आई थिंक ट्रूली ट्रूली माइंड बॉगलिंग इन मोर वेज़ दैन वन कुछ विजुअल सामने आ रहे हैं सलमान खान के uh, टर्की के शूट uh, के ड्यूरेशन से टाइगर थ्री के आई थिंक इसमें कोई 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 दो राय नहीं है कि सलमान खान बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं बहुत ज़्यादा मकबूल हैं हर तरफ और um, जो विजुअल सामने आ रहे हैं वो बहुत ही आई थिंक फ्रौती हैं इट इट आल्सो डिस्प्लेज फैंस कितने एक्साइटेड हैं सलमान को लेकर टाइगर थ्री को लेकर uh, यहाँ पर मैं मैं एक और भी मैं बात में मैं, मैं शेयर करना चाहूँगा कि जिस तरीके से टाइगर थ्री का बज हो रहा है वो यू you नो know, हम शुरू से कह रहे हैं कि टाइगर थ्री जो है एक बहुत बड़ी फिल्म है इस साल की बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि दैट किसी के भाई किसी की जान जो ईद रिलीज़ सलमान की थी जितना वो चली वो सलमान खान के स्टारडम की वजह से चली लेकिन वो एक जो एक कम्पेरिजन था दोनों दोनों फिल्मों के बीच में वो पूरे टाइम हुआ एंड आई थिंक टाइगर थ्री जो है वो एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम जो है वो आगे थी एज़ फार एज़ बज़ इज़ कंसर्न एक्साइटमेंट लेवल इज़ कंसर्न सो आई थिंक ये 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 ऑल्सो ये ये भी दर्शाता है कि जो आई थिंक किसी फिल्म का जो एक जो एक एक्साइटमेंट लेवल होता है वो पब्लिक आई थिंक मुझे लगता है कि वो सूंग लेती है देखिन जस्ट देकिन जस्ट गेजिट फ्राम अ फ्राम लाइक अ टेन सेकेंड वीडियो लाइक अ पोस्टर और जस्ट द बज अराउंड मे बी द पीपल हुर पार्ट ऑफ ए डायरेक्टर कौन है और बाकी स्टारकास्ट क्या है उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कटरीना कैफ हैं टाइगर uh, थ्री में hmm. जो उनका दोनों का टीज़र आया था आई थिंक बहुत ज्यादा आई थिंक उसमें एक अनर्जी थी uh, इमरान हाशमी की नेगेटिव uh, अपरेंटली एक, एक, एक उनका लीड है uh, सलमान इमरान जो है वो कॉन्स्टेंटली उसके बारे में पत्ते नहीं खोल रहे लेकिन आई थिंक दिस इज़ समट इज़ देर फोर श्योर वो एक बहुत आई थिंक इंटरेस्टिंग एक इवेंट uh, होने वाला है इमरान हाशमी एंड सलमान खान टूगेदर तो फिल्म आप हमें बताएं आपको क्या लगता है कि टाइगर थ्री के बारे में आई यू आई यू पर्सन लुकंग फॉर्वर्ड टू द फम वोड एक्सपेक्टेशज फार As its box office is concerned, are you are you excited for Salman Khan? Are you happy with uh, the way he's uh, he's looking, the way he's excited for this particular film? Uh, do share all your all your thoughts and, and visions with us as far as this film is concerned, and we are waiting for it eagerly. This is Faridun Sharia for Connect FM Canada. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.